दोस्तों शिकारियों की तो दुनिया दीवानी है, पर किसी भी हिरन के पीछे जब शेर शिकार करने भागता है तब हिरन ये सोचता है कि अगर मैं धीरे भागा तो इसका शिकार बनकर मर जाऊंगा। वहीं शेर इस बात से डरता है कि अगर मैं धीरे भागा तो भूख से मर जाऊंगा। पर क्या आप जानते हो कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी जानवर एग्जिस्ट करते हैं जो कि शिकारी का तक शिकार कर सकते हैं। तो हेलो नमस्कार, वेलकम वांटेड वीडियोस के आज के एपिसोड में दफा फिर से आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जो कि खुद की जान आसानी से बचा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। नंबर 5, जिराफ। दोस्तों जिराफ दुनिया के सबसे ऊंचे जानवरों में से एक होता है, पर ना तो भगवान ने इस बेचारे को नुकीले दांत दिए हैं और ना ही खतरनाक सींग। तो फिर अब ये विशालकाय जानवर अपनी जान बचाए तो बचाए कैसे? रुको रुको, इन्हें असहाय मत समझना। बता दूं कि ये अपनी लंबी लंबी लातों से शेर जैसे जानवर की तक जान ले सकता है। जी हाँ, जिराफ जैसे ही खतरा महसूस करता है शिकारी को अपने पैरों से रौंदना शुरू कर देता है, जिसमें वो शिकारी घायल होकर कईयों बार अपना दम तक तोड़ देता है। अगर जिराफ ऐसा करने से चूक जाए तो शिकारी उसे नीचे गिरा देते हैं, और एक बार अगर जिराफ नीचे गिरा तो उठ पाना नामुमकिन सा हो जाता है। इन वीडियोस में आप देख रहे होंगे कि ये जानवर कितने खतरनाक हो सकते हैं, तो बेहतर है कि इनके पैरों से दूर ही रहा जाए। नंबर 4, हिप्पोपोटामस। दोस्तों हिप्पो या फिर दरियाई घोड़े बहुत अजीबोगरीब दिखाई पड़ने वाले जानवर होते हैं। आपको बता दूं कि ये यूं तो चर्बी की दुकान भले ही दिखाई पड़ते हों, पर इन्हें मार पाना अच्छे अच्छे शिकारियों के बस की बात नहीं है। ये घोड़े काफ़ी गुस्सैल किस्म के होते हैं, और अगर एक बार माथा सटका तो अच्छे अच्छे प्रेडेटर को भी नहीं छोड़ते। इनके जबड़े में इतनी ताकत होती है कि किसी भी शेर के दो भाग कर दें। तो जब भी कोई भी शिकारी शिकार करने के वास्ते अगर गलती से भी पहुंच जाता है ना, तो ये जानवर उसकी खातिरदारी करने से कभी पीछे नहीं हटते। इनका जबड़ा कितना खतरनाक हो सकता है उसका अंदाज़ा आप वीडियो के माध्यम से आसानी से ही लगा सकते हो। तो भाई हमारे हिप्पो को फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन है जो उसका शिकार करना चाहता है, आने दो देख लेंगे कहकर हम भी नंबर 3 पर आ जाते हैं। नंबर 3 पर है पॉर्क्यूपाइन। दोस्तों पॉर्क्यूपाइन बेहद खतरनाक दिखाई पड़ने वाला जानवर होता है। साइज से तो ये किसी पोमेरियन डॉग जितने ही होते हैं, पर इनका शिकार कर पाना अच्छे अच्छे शिकारियों की बस की क्या कहीं की भी बात नहीं होती। दरअसल पॉर्क्यूपाइन शिकारी जैसे शेर भेड़ियों को भले ही काफ़ी कमज़ोर और लजीज खाना क्यों ना दिखता हो, पर इसके शरीर के ऊपरी हिस्से में बेहद खतरनाक कांटे होते हैं, जो कि इतने खतरनाक होते हैं कि अगर एक बार भी चुप जाए ना तो निकलने का नाम नहीं लेते, और इतनी तकलीफ देते हैं कि शिकारी कईयों बार तो इन्फेक्शन से और तकलीफ से ही मारा जाता है। पॉर्क्यूपाइन से भिड़ने के बाद हालात कैसे हो जाते हैं वो आप अभी सामने ही देख रहे हो। सोचो कितना तकलीफदायी रहता होगा ना दोस्तों, इसलिए कभी भी किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। नंबर 2, भैंस जंगलों में भी बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती है। जिस प्रकार नॉन वेजिटेरियंस के लिए बीफ होता है ना, उसी तरह शेर और अन्य शिकारियों के लिए जंगली भैंसें फेवरेट मील होती हैं। पर क्या आप जानते हो कि जितने भी शिकारी होते हैं ये कभी भी हट्टी खट्टी भैंसों पर वॉर नहीं करते? क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर इन्होंने अपने सींगों से प्रहार करना शुरू कर दिया तो पापड़ बनना तय रहेगा। इसलिए वो हमेशा भैंसों के बच्चों और कमज़ोर मवेशियों पर ही शिकार करना पसंद करते हैं। यहाँ पे आप सामने ही देख रहे हो कि कैसे एक भैंस ने एक शेर को मार मार कर मार डाला है, और कैसे ये जानवर शेरों को हवा में इतना ऊंचा उछाल देते हैं। दोस्तों इस भैंस ने तो शेर का ही शिकार कर डाला है। नंबर 1, ज़ीब्रा। दोस्तों ज़ीब्रा भले ही कितना ही कमज़ोर क्यों ना दिखाई दे, पर इनके द्वारा मारी गई लात अगर शिकारी के जबड़े पर सही से पड़ जाए ना, तो अच्छे अच्छे शिकारियों के पट्टे कमानी टूट जाते हैं।
दोस्तों यूं तो ज़ेब्रास सभी झुंड में ही रहना पसंद करते हैं और इनके ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्ड टेक्सचर की वजह से पहले तो शिकारियों को एक पर फोकस करने में बहुत दिक्कत आती है, उसके बाद भी इन्हें पकड़ पाना आसान काम नहीं है। जैसे कि यहाँ इस ज़ेब्रा को बचाने के लिए एक दूसरा ज़ेब्रा आ जाता है और फिर होती है लड़ाई, जिसमें जैसे ही शेरनी को लात पड़ती है ना, वो अक्क बक्क रह जाती है और तुरंत छोड़कर भाग जाती है। तो ज़ेब्रा भी कहीं से लेकर कहीं तक कम नहीं होते, मेरी वीडियोस भी ऐसी ही होती हैं, तो जाकर दूसरी भी ज़रूर देखना। और दोस्तों इसी के साथ ये था वांटेड वीडियोस का एक एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।